नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जहो एकेडमी में। थिंकर्स वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे महान संत कवि और समाज सुधारक कबीरदास जी के बारे में। मोटिवेशनल पोएम के रूप में आज मेरी दूसरी पोएम है, जिसका नाम है तो। कविता की लाइनें हैं, पानी है तो प्यास है, हवा है तो सांस है, जीवन है तो लक्ष्य है, लक्ष्य है तो सफलता है, सफलता है तो जीवन है। आशा करता हूँ कि यह पोएम आपको मोटिवेट करने में सहायक होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह पोएम कैसी लगी। आज का हमारा एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा अनारक्षित टिकट ऑनलाइन खरीदने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा अनारक्षित टिकट ऑनलाइन खरीदने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम पढ़ेंगे महान संत कबीरदास जी के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कबीरदास जी का जीवन परिचय क्या था, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएँ की गईं, साथ ही उनके प्रमुख नैतिक विचारों एवं उपदेशों को भी जानेंगे। तो इन सभी तीन बिंदुओं को हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो विस्तार से जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। आपको बता दें कि कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय रहस्यमय है। इनके जन्म, जन्मस्थान, जाति, गुरु और मृत्यु के बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि इनके जन्म, जन्मस्थान, जाति, गुरु और मृत्यु के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। केवल किंवदंतियों को आधार मानकर ही इनके जन्म, जन्मस्थान, जाति, गुरु और मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई है। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में मानते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है। इन विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ था, जिसकी पुष्टि उनका एक कथन भी करता है। अपने कथन में कबीरदास जी ने कहा था कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। यह इनका कथन है कबीरदास जी का, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने माना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। तो इनके जन्म स्थान के बारे में इनके कथन से ही जानकारी मिलती है। कबीर के जन्म के संबंध में भी अनेक किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से उस नवजात शिशु को लहर तरह ताल के पास फेंक दिया था। तो इनके जन्म के बारे में भी एक किंवदंती है कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसको रामानंद स्वामी ने आशीर्वाद दे दिया था पुत्रवती होने का, लेकिन एक विधवा होने के कारण लोक लज्जा के भय से उसने उस पुत्र को लहर तरह ताल के पास फेंक दिया था। कहा जाता है कि अली और नीरू नामक निसंतान जुलास दंपति ने यह बच्चा लहर तारा ताल पर पड़ा पाया, जिसे वह अपने घर ले आए और उसका लालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। वहीं दूसरी ओर कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई। तो इनके जन्म के संबंध में दो किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसको लोक लज्जा के भय से वह एक तालाब में छोड़ आई थी। उस बालक को अली और नीरू नामक निसंतान जुलाह दंपति ने तालाब से उठाया और अपने घर ले आए और उसका लालन पोषण किया। बाद में वही बालक कबीर कहलाए। वहीं दूसरी जो किंवदंती है उसमें कबीर पंथियों की मान्यता है। कबीर पंथी जो कबीर की विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि इनका जन्म लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई। तो इनके जन्म के संबंध में दो किंवदंतियां हैं और स्पष्ट नहीं है कि इनका जन्म कैसे हुआ था।
अपनी जाति के संबंध में कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर इनकी जाति की बात की जाए तो एक कथन के माध्यम से कबीर जी ने अपने स्वयं के कथन के माध्यम से स्वयं को अपने आप को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका कथन था कि जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। तो इन्होंने अपने कथन के माध्यम से अपनी जाति जुलाहा बताई है। तो इनकी जाति के रूप में इनके कथन से ही जानकारी मिलती है और इनके जन्म स्थान के बारे में भी इनके कथन से ही जानकारी मिलती है। उनके जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है क्योंकि तरह तरह की किंवदंती प्रचलित है। वे तत्कालीन भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे और इन कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में विचार करते रहते थे। जो तत्कालीन जो कबीर जी का समय था, उस समय जो मध्यकाल का समय था, मध्यकालीन इतिहास था उस समय भारत का, तो उस समय भारतीय समाज में कई तरह तरह की सामाजिक कुरीतियाँ थीं और इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कबीर हमेशा विचार करते रहते थे। इसके लिए उन्हें किसी आध्यात्मिक गुरु की तलाश थी। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रामानंद जी ने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन कबीर ने अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। यानी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कबीरदास जी को एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश थी और वह वैष्णव संत रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन जब रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, तो कबीरदास जी ने ठान लिया कि अगर गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने पंचगंगा घाट, काशी में जो स्थित है पंचगंगा घाट पर जाते हैं, उसके पहले ही मैं उनके मार्ग जाने के मार्ग की सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब रामानंद स्वामी जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, तो उन्होंने ठान लिया कि रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि रामानंद स्वामी गंगा स्नान करने के लिए 4 बजे पंचगंगा घाट पर जाते हैं और उनके पहुंचने से पहले ही मैं उनके जाने की मार्ग की सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। वे पंचगंगा घाट पर रात के अंतिम पहर पर पहुंच गए और सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। संत रामानंद जी भी कबीर की इस विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब वह उनके जाने के मार्ग की सीढ़ियों पर लेट गए, तो रामानंद जी जब आए तो उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ गया। और उनका पैर जब उनके शरीर पर लगा तो रामानंद जी के स्वामी से शब्द निकले राम राम, और इन्हीं राम राम शब्द को कबीरदास जी ने अपना गुरु मंत्र बना लिया और रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया। कबीरदास जी की इस विनम्रता से रामानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए और कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी मानते हैं कि उनके गुरु रामानंद हैं, जिसकी एक व्याख्या उनका एक कथन भी करता है। वह अपने कथन में कहते थे कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेता हैं। तो इसकी व्याख्या कि उनके गुरु रामानंद स्वामी थे, इसका जो प्रमाण है उनका एक कथन देता है, जिसमें वह कहते थे कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेता है। तो उनके जन्म स्थान के संबंध में भी उनका कथन ही जानकारी देता है, उनकी जाति के संबंध में भी उनका कथन ही जानकारी देता है, साथ ही उनके गुरु के संबंध में भी उनका कथन ही जानकारी देता है। तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था, इनकी जाति जुलाहा थी और इनके गुरु थे रामानंद स्वामी। कबीरदास जी एक गृहस्थ जीवन जीने वाले संत थे। यानी कबीरदास जी एक गृहस्थ संत थे। गृह त्याग और वैराग्य में उनका विश्वास नहीं था।
सांसारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए वे पारिवारिक रिश्तों को भली भांति निभाते थे। जीविका उपार्जन के लिए कवि जी ने सदैव पैतृक कार्य अर्थात जुलाहे का काम किया, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन यापन के लिए स्वयं के परिश्रम से धन कमाना आवश्यक है। तो कबीरदास जी एक गृहस्थ संत थे और गृह त्याग और वैराग्य में उनका विश्वास नहीं था। साथ ही सांसारिक जिम्मेवारियों को समझते हुए वे पारिवारिक रिश्तों को भली भांति निभाते थे। साथ ही अपने जीवन यापन के लिए कबीर जी ने सदैव अपना पैतृक कार्य जुलाहे का काम किया, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन यापन के लिए स्वयं के परिश्रम से ही धन कमाना चाहिए। तो यह स्वावलंबन या परिश्रम पर बहुत अधिक बल देते थे किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए। तो आपको याद रखना है कि यह एक गृहस्थ संत थे। कबीर की मृत्यु भी रहस्यमय है। कहा जाता है कि उनका पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे और यहाँ अपनी देह त्याग दी। तो कहा जाता है कि वह जीवन भर तो काशी में रहे, उनका जन्म भी काशी में हुआ था, लेकिन जब उनका मृत्यु का समय निकट आया तो वह मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ चले गए और वहाँ अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा पाया। बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना जो शरीर का त्याग किया था वह मगहर नामक स्थान पर किया था, और इनकी मृत्यु के बाद जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे उन लोगों में विवाद हो गया इनके अंतिम संस्कार को लेकर, क्योंकि कबीरदास जी एक ऐसे संत और कवि थे जिनको दोनों धर्मों के लोग मानते थे। इनके विचारों को और उपदेशों को हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी मानते थे, यानी इनके अनुयायियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग थे। तो इनकी मृत्यु के बाद दोनों संप्रदाय के लोगों में इनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया, लेकिन जब इनके विवाद चल रहा था तो उनके शरीर पर से जब चादर हट गई तो वहाँ फूलों का ढेर पड़ा पाया लोगों ने, और उन फूलों को आपस में बाँट लिया दोनों धर्मों के लोगों ने और अपनी अपनी रीति से उनका अंतिम संस्कार किया। तो मगहर में इन्होंने अपना देह त्याग किया था, इसलिए मगहर में ही इनकी समाधि है। तो आपको याद रखना है कि काशी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। तो इस प्रकार हमने जाना कि कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय रहस्यमय है। उनका जन्म, जन्म स्थान, जाति, गुरु और मृत्यु कई तरह की किंवदंतियों पर आधारित है। कबीरदास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी और कवि का नहीं है। तो हिंदी साहित्य के काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और गोस्वामी तुलसीदास की तरह ही वे हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठतम कवियों में माने जाते हैं। इनसे जो प्रभावित व्यक्ति थे उनमें नाम है दादू, गुरु नानक और पीपा। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनसे प्रभावित व्यक्तियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग थे। तो इनसे जो प्रभावित लोग थे यानी कि इनके जो शिष्य थे उसमें संत दादू, गुरु नानक जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, और संत पीपा। तो इनके आपको याद रखना है कि इनके शिष्य कौन थे, आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं, और इनके गुरु का नाम भी आपको याद रखना है संत रामानंद। कबीरदास जी की शिक्षाओं पर आधारित एक संप्रदाय है कबीर पंथ। तो जानते हैं कबीर पंथ के बारे में विस्तार से। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनके निधन के बाद इस पंथ की शुरुआत की थी। तो उनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनके निधन के बाद कबीरदास जी के निधन के बाद कबीर पंथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। प्रारंभ में दार्शनिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित यह पंथ कालांतर में धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। यह जो पंथ था वह शुरुआत में कबीरदास जी के दार्शनिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित था, परंतु कुछ समय उपरांत
यह एक अलग धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया। कबीर पंथ के अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। तो इनके अनुयायियों में सभी धर्मों के लोग हैं। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक इस पंथ के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का आधार ग्रंथ है। कबीर की रचनाओं का एक संग्रह कहलाता है बीजक, जिसको हम इनकी रचनाओं में पढ़ेंगे विस्तार से। तो इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक इस पंथ के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का आधार माना जाता है। तो आपको याद रखना है कबीर पंथ के बारे में कि इसकी स्थापना इनके शिष्य धर्मदास ने की थी और यह है इनकी नैतिक शिक्षा, कबीरदास जी की नैतिक शिक्षा पर आधारित एक पंथ है। और कबीर जी का कविताओं का संग्रह बीजक इस पंथ के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का आधार है। आपको ये याद रखना है कि कबीर पंथ इनके नाम पर आधारित एक पंथ है। इसकी स्थापना कबीरदास जी ने स्वयं नहीं की थी, इसका आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी स्थापना उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य धर्मदास ने की थी। तो इस प्रकार हमने जाना कि कबीरदास जी का जीवन परिचय क्या था, उनका जन्म, जन्म स्थान, जाति, गुरु और मृत्यु के बारे में जो भी किंवदंतियाँ थीं उनको हमने विस्तार से समझा। साथ ही उनके पंथ के बारे में भी जाना, कबीर पंथ के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं। तो कबीरदास जी एक रहस्यवादी कवि और संत थे। आपको याद रखना है कि कबीरदास जी एक रहस्यवादी कवि और संत थे। रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति अलौकिक परम सत्ता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। तो चूंकि कबीरदास जी एक रहस्यवादी कवि थे, तो रहस्यवाद से तात्पर्य वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति अलौकिक परम सत्ता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। कबीरदास जी ने भी परमलौकिक परम सत्ता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है, इसलिए वह रहस्यवादी कवि थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्री निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। जो आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें एक भक्ति काल आता है, उसकी एक शाखा थी निर्गुण शाखा, और निर्गुण शाखा में भी ज्ञानाशरी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास जी। तो इन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है और ज्ञान के द्वारा भक्ति में बल दिया है। तो यह ज्ञान के द्वारा भक्ति को महत्व देते थे। इनकी रचनाओं ने मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। जो मध्यकालीन भारत था उसमें एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं से भक्ति आंदोलन को काफ़ी गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने मौलिक चिंतन से भारतीय समाज को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया है। कबीरदास जी एक अनपढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने रचनाओं से, अपने उपदेशों से, अपने मौलिक चिंतन से भारतीय समाज को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया है। वह एक अपनी रचना के माध्यम से बताते हैं कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनकी रचना थी, मसी कागत छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इन्होंने अपने इस लाइन से, इस रचना से बताया है कि वह ना तो कभी उन्होंने कागज़ को छुआ, ना ही कभी कलम में, हाथ में कलम को थामा। तो यह एक अनपढ़ व्यक्ति थे, किंतु इन्होंने अपने मौलिक चिंतन से भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। पढ़े लिखे ना होने के कारण संत कबीर ने स्वयं एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। चूँकि एक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा, इसको आपको याद रखना है। परंतु उनके मुँह से बोले गए उपदेशों को उनके शिष्यों ने कबीर ग्रंथ के रूप में लिखा। चूँकि कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं कोई रचना नहीं की। उनके द्वारा बोले गए, उनके मुँह से बोले गए उनके उपदेशों को, उनके दोहों को उनके शिष्यों ने एक लिखित रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम कबीर की रचनाओं के रूप में वर्तमान में जानते हैं। कबीर जी अपने उपदेश दोहों अथवा छोटी छोटी कविताओं के रूप में देते थे। कबीरदास जी के जो उपदेश हैं वो या तो आप दोहों के रूप में पाएंगे या छोटी छोटी कविताओं के रूप में पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश दोहों अथवा छोटी छोटी कविताओं के रूप में ही दिए हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है।
कबीर की जो उपदेश थे उसका संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। और बीजक का अर्थ होता है गुप्त ज्ञान बताने वाली सूची। चूँकि कबीरदास जी के दोहों में उपदेशों में एक अथाह ज्ञान का भंडार था, इसलिए उनकी रचना का संग्रह जो बीजक कहलाता है उसका अर्थ ही है गुप्त ज्ञान बताने वाली सूची। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया। जो कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक, उसका जो संग्रह किया है वह शिष्य उनके धर्मदास ने किया है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कबीर पंथ के संस्थापक भी शिष्य धर्मदास को माना जाता है। जो उनकी वाणी का संग्रह है बीजक, उसके तीन भाग हैं। उनकी वाणी का जो संग्रह है बीजक, उसके तीन भाग हैं, आपको याद रखना है। पहला भाग है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रमेनी। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं कि इन सभी भागों में क्या क्या शामिल है। तो साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। तो साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण है, आपको याद रखना है। दूसरा है शबद, इनमें कबीर के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। जो शबद है उसमें कबीर के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। और लास्ट है रमेनी, इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। तो साखी में कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण है, शबद में कबीर के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति का निरूपण है, और रमेनी में कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों और उपदेशों का सार तत्व बीजक में ही उपलब्ध है। उनके जितने भी उपदेश थे या उनके जो सिद्धांत थे उनका सारा सार बीजक में ही उपलब्ध मिलता है। उनकी वाणी के संग्रह जिसको बीजक कहा जाता है उसमें मिलता है। कबीर पंथी इसे वेद तुल्य मानते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में वेद काफ़ी पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार जो कबीर पंथी हैं जो कबीर की शिक्षा में विश्वास करते हैं वह बीजक को वेद के तुल्य मानते हैं। तो आपको याद रखना है, बीजक के बारे में मैंने इतनी जानकारी दी, आपसे पूछ सकते हैं तीन नंबर में बीजक। तो आप बीजक में इन जितनी मैंने आपको इतनी जानकारी दी है उसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं, और अगर आप जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको सही लिखते हैं तो आप तीन में से तीन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे तीन नंबर में पूछा जा सकता है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के बारे में। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। जैसे कि इनके बाड़ी का संग्रह बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, उसी प्रकार इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। इसका आपको याद रखना है कि कबीर ग्रंथावली नाम से जो संकलन है वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया है। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनकी जो भाषा है उसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो इन पांच भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं, इनकी रचना में मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। चूँकि इनकी रचनाओं में पांच भाषाओं के शब्द मिलते हैं इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कबीर जी की भाषा को क्या कहा जाता है, तो कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें पांच भाषाओं के शब्द मिलते हैं, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो आपको ये पाँच भाषाएँ याद रखनी हैं, और पंचमेल खिचड़ी को भी सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर जी चाहते थे कि उनकी उपदेश, उनकी शिक्षाएं आम आदमी तक पहुंच सकें, इसलिए उन्होंने हमेशा सरल भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आम आदमी उसको समझ सके। तो इस प्रकार हमने जाना कि कबीर जी की प्रमुख रचनाएँ क्या थीं। अब हम जानते हैं कि कबीर जी के प्रमुख नैतिक उपदेश और विचार क्या क्या थे। तो इनके हम प्रमुख नैतिक उपदेशों और विचारों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। इनके विचारों में पहला है ब्रह्म संबंधी इनका विचार। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे तथा एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। आपको याद रखना है कि यह निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, यानी कि यह भगवान के साकार रूप यानी मूर्ति रूप को स्वीकार नहीं करते थे बल्कि एक निराकार ब्रह्म के उपासक थे।
तथा एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की अवधारणा में यह विश्वास करते थे। वह कहते थे कि ईश्वर एक है। उनका मानना था कि परमेश्वर एक ही है, उसे सिर्फ राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, गोविंद आदि अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उनका मानना था कि परमेश्वर एक ही है, केवल उसे राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, गोविंद आदि अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कबीर जी ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंदिर मस्जिद की बजाय ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना है। कबीरदास जी जो धार्मिक आडंबर थे उनको स्वीकार नहीं करते थे, जैसे कि मंदिर और मस्जिद। वह कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्त के प्रेम को जरूरी होना चाहिए, यानी वह भक्त के प्रेम को जरूरी मानते थे ईश्वर तक पहुंचने के लिए। उनके अनुसार ब्रह्म निर्वचन यानी तर्क वितर्क का विषय ना होकर अनुभूति का विषय है। वह कहते थे कि ब्रह्म एक ऐसा विषय है जो केवल अनुभूति का विषय है, इसमें तर्क वितर्क को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, क्योंकि वह एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। साथ ही वह ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्त के प्रेम को जरूरी मानते थे। तो भक्त के प्रेम को उन्होंने जरूरी माना क्योंकि वह भक्तिकालीन युग के पेमाश्री शाखा के कवि माने जाते थे, इसलिए उन्होंने भक्त के प्रेम को जरूरी माना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वो कहते थे कि परमात्मा का अनुभव गूंगे व्यक्ति के गुड़ के समान है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह कहते थे कि जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति गुड़ के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार परमात्मा के अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा तक पहुँचने के लिए कबीर जी ने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। वह कहते थे कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हर व्यक्ति के पास एक गुरु होना जरूरी है, यानी उन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। इसलिए उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाने की ठान ली थी, और बाद में रामानंद भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनको अपना शिष्य बनाया। तो उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु की महत्ता पर बल दिया है, इसको आपको याद रखना है। इनके विचारों में दूसरा है इनका आत्मा संबंधी विचार। कबीर जी ने आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना। वो कहते थे कि आत्मा व परमात्मा एक ही है, उनमें कोई तात्विक अंतर नहीं है, हम केवल अज्ञानतावश ही उनमें अंतर करते हैं। तो उनका मानना था कि आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते थे, और वह कहते थे कि आत्मा व परमात्मा एक ही है। वो कहते थे कि सभी मानव ब्रह्म के अंश हैं, और इसलिए सभी मानव आपस में समान हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई उच्च और ना कोई निम्न। वो कहते थे कि सभी मानव ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए सभी मानव आपस में समान हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, यानी कि इन्होंने मानव समानता पर बल दिया है, मानव एकता पर बल दिया है। उनका मानना था कि अज्ञानता के कारण ही समाज में धर्म और जाति के आधार पर मानव मानव में भेद किया जाता है। वह कहते थे कि अज्ञानता के कारण ही मानव मानव में भेद किया जाता है, क्योंकि जो अज्ञानी होते हैं उनको यह पता नहीं होता है कि सभी मानव ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए सभी मानव आपस में समान हैं। कुछ अज्ञानता के कारण ही वह समाज में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो आत्मा संबंधी विचार यह था कबीर जी का। अगला विचार है इनका जगत संबंधी विचार। कबीर जी ने ब्रह्म के अस्तित्व के साथ साथ जगत की सत्ता को भी स्वीकार किया है। आपको याद रखना है कि वह ब्रह्म के साथ साथ जगत की सत्ता को भी स्वीकार करते थे। उन्होंने जगत को भी जरूरी माना ब्रह्म के साथ साथ। जबकि मैंने आपको पढ़ाया होगा पिछले वीडियो में कि अद्वैत वेदांत दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया है और जगत को मिथ्या कहा है। वह कहा करते थे आदि शंकराचार्य अपने अद्वैत वेदांत सिद्धांत में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वह कहते थे आदि शंकराचार्य कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जो जगत यानी संसार है वह मिथ्या है। इसके विपरीत कबीर जी ने ब्रह्म के अस्तित्व के साथ साथ जगत की सत्ता को भी स्वीकार किया है। तो यहाँ कबीर जी के विचार आदि शंकराचार्य के विचारों से भिन्नता रखते हैं। इनके विचारों में अगला है कि यह धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों का विरोध करते थे। तो इन्होंने जो तत्कालीन समाज में जो धार्मिक आडंबर और कुरीतियाँ थीं उनका विरोध किया है।
कबीर जी ने अवतार, रोजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, व्रत, मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आडंबरों का काफ़ी विरोध किया है। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करती उनकी एक साखी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, था ते तो चाकी भली, जासे पीसी खाए संसार। तो इन्होंने जो धार्मिक आडंबर थे उनका काफ़ी विरोध किया है और मूर्ति पूजा को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो कहते थे कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं एक पहाड़ पूजूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो धार्मिक आडंबर थे, मूर्ति पूजा थी, उस पर कितना प्यार किया है और उनका कितना विरोध किया है। कर्मकांड की जगह वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है जबकि वह अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। तो इस प्रकार हमने जाना कि वह धार्मिक आडंबरों कुरीतियों के विरोधी थे। इनके विचारों में अगला है कि यह जाति प्रथा के विरोधी थे। वे सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक विभेदों का खंडन करते हैं। वे जाति पाति और ऊंच नीच के बंधनों से परे फक्कड़, अलमस्त और क्रांतिदर्शी थे। यानी कि कबीरदास जी ने जो समय जो भी धार्मिक और सामाजिक विभेद थे समाज में उनका खंडन किया है और वे जाति पाति या ऊंच नीच के बंधनों को ना मानते हुए एक अलमस्त क्रांतिदर्शी थे। यानी कि वह जाति पाति और ऊंच नीच के विरोधी थे। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का भी विरोध किया। तत्कालीन समाज में जो कुप्रथाएं थीं, सती प्रथा और बाल विवाह, इनका भी विरोध कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। अगले विचारों में है कि यह हिंदू मुस्लिम समानवाद पर बल देते थे। तो हिंदू मुस्लिम समन्वय पर इन्होंने बल दिया है। कबीर जी हिंदू मुस्लिम समन्वय के पैगंबर थे। उन्होंने दोनों धर्मों में प्रचलित बुराइयों की आलोचना की। जो कबीरदास जी थे उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम धर्म थे उनके समन्वय पर बल दिया और दोनों धर्मों में जो बुराइयां थीं उनकी आलोचना की। साथ ही दोनों धर्मों में विद्यमान अच्छाइयों से एक दूसरे को सीखने पर बल दिया। वह कहते थे कि अगर हिंदू धर्म में कोई अच्छाई है तो उससे मुस्लिम धर्म को कुछ सीखना चाहिए और मुस्लिम धर्म में अगर कोई अच्छाई है तो उससे हिंदू धर्म को भी सीखना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू धर्म में कोई बुराई है तो उसे दूर करना चाहिए, साथ ही अगर मुस्लिम धर्म में कोई बुराई है तो उसको भी दूर करना चाहिए। यानी वह दोनों धर्मों के समन्वय पर बल देते थे। इनके विचारों में अगला है कि यह मानवतावादी कवि या संत थे। वो कहते थे कि सभी मानव समान हैं। कबीरदास जी कहते थे कि सभी मानव समान हैं। वह मानव को केंद्र में रखकर सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान चाहते थे। वह उन्होंने कहा कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई उच्च है, ना कोई निम्न है। यानी वह कहते थे कि सभी प्राणी ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए सभी समान हैं, इसलिए उन्होंने मानवतावाद पर बल दिया है। अब हम जानते हैं कबीरदास जी के प्रमुख दोहे जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो हम कुछ कबीरदास जी के प्रमुख दोहों को जानते हैं। पहला दोहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने गुरु का महत्व समझाया है। वो कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं है, और याचक शिष्य समान, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान, और गुरु के द्वारा दिया गया जो दान है, विद्या दान है, वह तीन लोक की संपदा से भी बड़ा है। इनके विचारों में अगला है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। वह कहते थे कि व्यक्ति को ऐसे वचन बोलना चाहिए जो जो दूसरों को प्रसन्न करें और आप भी उससे प्रसन्न हों। मतलब ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों का हृदय में जो दूसरों को बुरे लगें या जिनसे दूसरों का नुकसान हो। अगला है दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ये बहुरी करेगा कब। कहते थे अगर व्यक्ति को कोई काम करना है तो उसको आज ही करना है, कल के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई विचार करता है तो जब वो विचार करता है उसको उसी समय करना चाहिए,
ना कि उसको अगले दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। अगला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहम दुम्यान। वह कहते थे कि अगर आपको किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके ज्ञान के बारे में नहीं और ना तो धर्म जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके पास जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहिए। अगला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। वह कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी आवश्यकताएं की वस्तुएं होनी चाहिए ताकि वह अपना जो परिवार है उसका लालन पोषण कर सके, और उसके पास इतना भी होना चाहिए कि वह लालन पोषण के साथ साथ अगर उसके पास कोई ज़रूरतमंद या साधु आता है तो उसको भी वो मदद कर सके। इससे ज़्यादा वह संग्रह प्रवृत्ति पर बल नहीं देते थे। तो इस प्रकार हमने जाना इनके प्रमुख दोहों को। आशा करता हूँ कि आपको ये दोहे पसंद आए होंगे और इन दोहों से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी के दोहे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि एक खुद पढ़े लिखे ना होकर इन्होंने ऐसे ऐसे विचार दिए हैं जो अगर इनको अपनाया जाता है तो भारतीय समाज की कई समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएँ और उनके द्वारा दिए गए प्रमुख उपदेश और विचार। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो कबीरदास जी हमने पढ़ा विस्तार से, वह ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वह सभी उन लोगों तक पहुंच सके जिनको हमारे वीडियोस की ज़रूरत है और जो एमपीपीएससी की तैयारी पूरे समर्पण के भाव से कर रहे हैं। तो जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन देते हैं उसी वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक था वह कबीरदास जी था। तो इसी टॉपिक से संबंधित हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। जैसा कि आपके एथिक्स पेपर में 6 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको 150 शब्दों में ही लिखना होता है। तो आपका क्वेश्चन है आज का कि कबीरदास जी अद्वैतवादी थे, इसको स्पष्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि कबीरदास जी अद्वैतवादी थे, इसको स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके अगले विचारक संत तुलसीदास जी के बारे में। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए एमपीपीएससी से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो लाते रहते हैं। और अभी हमारे चैनल पर थिंकर्स से रिलेटेड वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार आपके जो सिलेबस में शामिल थिंकर हैं उनको एक एक करके कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आज हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी विचारकों को पढ़ चुके हैं, गुरु नानक देव जी, राम मनोहर लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ादी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो एक एक करके हम सभी बाकी सभी विचारकों को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर जनरल हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की और इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी की। तो आप सभी क्लासेस का लाभ लेने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।